नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत पनीचा में हो रहे बहुउद्देशीय शौचालय निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मानक के अनुरूप कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के विकासखंड मनियर अंतर्गत ग्राम पंचायत पनीचा में हो रहे बहुउद्देशीय शौचालय का निर्माण 11 डिसमिल में एक बहुत ही सुंदर तैयार किया जा रहा है। वहीं पंचायत सचिवालय के लिए गांव सभा में जमीन नहीं होने से काफी लोगों में चिंतित थे, लेकिन वहीं पनीचा के ठाकुरों ने अपनी निजी भूमि जमीन से 11 डिसमिल जमीन देकर बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिसकी प्रशंसा पूरे गांव में हो रही है। ग्राम प्रधान राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि हमारे ग्राम ठाकुर परिवार ने जो जमीन दान देकर जो काम किया है बहुत ही पुनीत का काम है। प्रधान राजेश कुमार वर्मा से जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया तो उन्होंने बड़ी ही शालीनता से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह जब हमारा ग्राम सचिवालय बहुउद्देशीय शौचालय जब बंद करके कंप्लीट होगा तो जनपद में एक स्थान होगा, यहाँ की खूबसूरती और जगहों से काफी सुंदर दिखेगी। धार्मिक स्तर से लेकर सामाजिक स्तर से लेकर यहाँ काम हो रहा है। गाँव में बिजली की व्यवस्था घर घर पहुँचाई गई है। रास्ता, सड़क, नाली, विधवा पेंशन आज पात्र लोगों में दिया गया है। राशन की व्यवस्था अच्छी है जो सबको कोटेदार द्वारा दिया जाता है। आइए सुनते हैं ग्राम प्रधान राजेश कुमार वर्मा की जुबानी व ग्रामीण जनता की जुबानी तथा दान में दी हुई जमीन के वारिसान ठाकुर बिरादरी की जुबानी क्या कहते हैं, ये लोग जरा सुनिए। शौचालय का निर्माण करा रहे हैं और ग्राम पंचायत शौचालय का निर्माण कराएंगे, यह जमीन किस तरह की है जिसपे आप काम निर्माण करा रहे हैं? जहाँ समुदाय शौचालय का निर्माण हो रहा है वहाँ 11 डिसमिल जीएस की जमीन थी और यहाँ पंचायत भवन बनने का जगह नहीं था, मगर हमारे मान के चलिए सहयोगी चाहे पड़ोसी ये इन लोग तैयार हुए कि हम पंचायत भवन के लिए गांव ग्राम सभा के लिए हम अपना जमीन दान दे रहे हैं पंचायत भवन बनने के लिए। तो ये अरविंद सिंह हुए, रामाकांत सिंह हुए, श्री राम सिंह हुए और राधा मोहन सिंह हुए, ये सब मिलकर अपना 11 डिसमिल जमीन पंचायत भवन बनने के लिए दिए। मैंने ये अपनी भूमिधरी जमीन दिए हैं? जी, अपनी भूमिधरी जमीन दिए। एक चीज़ और, यहाँ कठिनाई है, गांव में तो आप बिजली की व्यवस्था करा चुके हैं लेकिन यहाँ बिजली की व्यवस्था कैसे कराएंगे? बिजली की व्यवस्था वहाँ तक मैं करा दिया हूँ, अब बहुत जल्द यहाँ तक खंभा गड़ने वाला है। मैंने मान के चलिए कि 15-20 दिन के अंदर ही यहाँ लाइट का व्यवस्था सही हो जाएगी। राशन की व्यवस्था कैसी है? राशन की व्यवस्था ठीक चल रही है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मान के चलिए कि लगातार इस समय राशन कार्ड कट रहा है, कोई यूनिट कट गया तो मतलब हर गांव की प्रॉब्लम है, मगर जिसका राशन कार्ड कट गया है उसका मैं व्यवस्था करके जैसे किसी का कार्ड रुकवा दिए वो उस आदमी को माइनस करा कर मैंने वितरण कराने का काम करा रहे हैं। जी जी, ये है कि कोई बाकी ना रह जाए, सब कोई भूखे ना रहे। हाँ, भूखे ना रहे। और वो जो जमीन दिए हैं यहीं पर मौजूद है, उनसे भी कुछ बातें अच्छा, कर लिया जाए। अरविंद कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह जी, बड़ी आपने तारीफ की काम किए हैं जो अपनी भूमधरी जमीन दे करके गांव के एक सम्मान बढ़ाने का आप लोगों ने काम जो किया है, इसकी जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। अभी मैं प्रधान जी से वार्ता किया तो प्रधान जी ने बताया कि यहाँ जीएस की जो जमीन 11 डिसमिल थी उसमें तो सामुदायिक शौचालय बन चुका है, लेकिन ग्राम पंचायत सचिवालय के लिए जमीन यहाँ उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने गांव को विकास के देखते हुए जो 11 डिसमिल फिर अपनी भूमधरी जमीन दिए हैं, यह देख करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? यह दिमाग में कैसे आया कि मैं इस देख करके गाँव को सुंदरता को और आगे बढ़ाऊँ, इस पे क्या कहेंगे? यहाँ पे ये जीएस की जमीन नहीं थी तो हमने सोचा कि अगर पंचायत भवन यहाँ बन जाएगा तो बढ़िया काम हो जाएगा और गांव का विकास भी हो जाएगा, यही सोच के हमने ये जमीन दान में दे दी है। ये बताइए, प्रधान जी के द्वारा इस समय जो काम गांव में कराया जा रहा है ये किस तरह से कराया जा रहा है? बहुत बढ़िया कराया जा रहा है, बहुत बढ़िया कराया जा रहा है। तो फिर आने वाले समय में इनको प्रधान आप बनाएंगे कि आप लोग बदल देंगे? नहीं, इनको तो बनाएंगे, हम लोग प्रधान बनाएंगे। इनके अंदर अच्छी क्वालिटी है? हाँ, अच्छी क्वालिटी है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।